जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव, जय माता काली का। आपका दिन बहुत 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 शुभ हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मैं हूँ ज्योतिषार डॉक्टर संध्या सक्सेना, हरिद्वार उत्तराखंड से। आपके लिए शुभकामनाएं हैं। गणेश चतुर्थी का टाइम है और मैं चाहती हूँ भगवान गणेश इस साल आपके लिए अच्छा और अच्छा और अच्छा आए। बहुत सारे लोगों के डेली मैसेज आते हैं, ये संख्या हजारों में होती है, और सबसे ज़्यादा जो मैसेज आते हैं और उसमें ये आता है कि मेरी बेटी की शादी कब होगी या मेरे बेटे की शादी कब होगी, मुझे शादी करनी है, शादी करवा दो मेरी। तो आज मैं गणेश चतुर्थी के छोटे छोटे कुछ उपाय बताऊंगी आपको, उसमें से जो सूट करता है आप अपने हिसाब से उस उपाय को कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे जिनको शादी करनी है। इस गणेश चतुर्थी पे या किसी भी शुभ दिन पे, शुभ समय पे, या बुधवार वाले दिन, शुक्रवार वाले दिन, रविवार वाले दिन आप इस क्रिया को कर सकते हैं। क्या करना है आपको, एक चांदी का छोटा सा चकोर, चांदी का छोटा सा चकोर टुकड़ा लेना है। ये आपको किसी भी शॉप पे जो बेचते हैं सिल्वर गोल्ड वगैरह, वहाँ पे सुनार, यस सुनार एक सही शब्द है, सुनार की शॉप पे आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस चांदी के जो आपने चकोर लिया है, इसको आपको, ये उपाय सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने शादी करनी है। इससे मेरा मतलब नहीं है कि आपको प्रेम विवाह करना हो या आपको अरेंज मैरिज करनी हो, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। यदि आप अपने लिए करना चाहते हैं, चाहे आपको लव मैरिज करनी हो या अरेंज करनी हो, तो आप इसको कर सकते हैं। यदि आपको अपने बच्चे के लिए करने हैं, आपको अपने भाई के लिए करने हैं, आपको अपनी बहन के लिए करना है, बेटी के लिए करना है, तो भी आप इसे कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये वही लड़की करेगी या ये वही लड़का करेगा जिसको ये काम करना है। तो आपको करना क्या है, आपको एक चांदी का चकोर टुकड़ा लेना है। उस चांदी के चकोर टुकड़े पे आपको एक छोटे से दोना आता है, उस दोने में वो चांदी का टुकड़ा रखेंगे। आपके घर के पास में जो गणेशपति जहाँ पर भी हैं, जहाँ गणेश मंदिर है, अगर गणेश मंदिर आसपास नहीं है तो जहाँ गणपति बैठाए हुए हैं, अन्य दिनों में आप इसे गणेश मंदिर में ही करेंगे, इसे मंदिर में ही करना है फिर, ठीक है। अगर अन्य दिनों में आप करेंगे तो आप उस दोने में को ले जाएंगे जिसमें आपने चकोर वाला जो है सिल्वर का टुकड़ा रखा है, उसको ले जाएंगे। उसके ऊपर थोड़ा सा अक्षत वगैरह लगा कर और गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि हे गणेश जी महाराज, मेरा नाम डैश है, मेरे पति या मेरे पिता का नाम डैश है। अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि मैं चाहती हूँ मेरी शादी अच्छी हो जाए, अच्छे घर में हो जाए, या मैं चाहता हूँ मेरी शादी अच्छे और अच्छे घर में हो जाए। यदि आपने ऑलरेडी कोई साथी ढूंढ रखा है तो फिर आप कहेंगे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी इससे हो जाए, या मैं चाहती हूँ मेरी इससे शादी हो जाए। जो भी आपकी इच्छा है आपको वो इच्छा बोलनी है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, भाई बहन के लिए कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, तब भी आप अपना गोत्र बोलेंगे कि हे श्री गणेश जी महाराज, मेरा नाम डैश है, मेरे पिता या पति का नाम डैश है, मेरे जाति स्थान गोत्र डैश है, मैं अपने भाई के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, या किसी के लिए भी जिस लिए आप मांग रहे हैं, मैं उसके लिए प्रयोग करने जा रही हूँ। मेरी इच्छा है कि इसकी शादी जल्दी हो जाए। यानी कि डिफरेंसेस है, आप खुद कर रहे हो या किसी के लिए कर रहे हो, आप कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा अक्षत वगैरह लगाएंगे, थोड़ा सा उस पर सतिया बना दीजिएगा, आपको पता है ना सतिया क्या होता है, ऐसे स्वास्तिक, जिसको हम बोलते हैं स्वास्तिक। स्वास्तिक मैंने अक्सर देखा है कि लोग उल्टा बनाते हैं। हमारे वहाँ जितनी भी पूजाएं होती है, जब हम ऑनलाइन पूजा भी कराते हैं, तो हम लोगों से कहते हैं कि आप घड़े पे, लोटे पे या शुभ चिन्हों पे आप स्वास्तिक बनाइए, और वो हमेशा स्वास्तिक उल्टा बनाते हैं। हम उनको कहते हैं आप सीधा स्वास्तिक बनाइए, वो उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं, ठीक है। तो स्वास्तिक आपको बनाना है, और उसके ऊपर हल्दी से बना लीजिए या रोली से बना लीजिए, थोड़ा कच्चा चावल उस पर छिड़क दीजिए। कच्चा चावल छिड़कते समय इस चीज़ का ध्यान देना है, और हमेशा ही ध्यान देना है, जब भी हम किसी पूजा पाठ को करते हैं तो चावल में ये ध्यान देना होता है कि चावल जो है टूटा नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग बस उठाते हैं और बस शुरू हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, टूटे चावल से पूजा नहीं होगी। आपको साबुत चावल लेना चाहिए, आप चाहे कोई लो, परमल लो, बासमती लो, इतना सा लेना है छिड़कने के लिए, तो वो आप साबुत लीजिए, साबुत चावल उस पर छिड़क देना है। घर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप अगर झूठा गंदा ना हो तो आप उस पर किचन से भी ले सकते हैं।
उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर चावल के छिट्टे मार दिए। अब आपको बड़े आराम से भगवान गणेश का ध्यान करना है, भगवान गणेश की 3 चालीसा पढ़नी है और कहना है कि हे गणेश जी महाराज, आपकी जय हो जय हो जय हो। मैं अपना संकल्प आपने बोल ही दिया है, मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि भाई मेरा ये काम हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है वो अभी बताऊंगी, लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बालागन दबा दीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पे मेरे 3 चैनल हैं, अगर आपको ना मिल पा रहे हो तो आप उससे मांग सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगी। ऊपर 4 नंबर जो दिए गए हैं, 4ों में से किसी भी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक ना लग रहा हो तो 2, 3, 4 जिस पे आपको करना हो आप कर लीजिए। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि 18 सितंबर 2024 को सुबह सुबह चंद्रग्रहण लगेंगे। मैंने चंद्रग्रहण के साथ एक्सपेरिमेंट किया है कि चंद्रग्रहण पे हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं उसका रिजल्ट आता है। चंद्रग्रहण एक ऐसा है कि जिसमें अगर किसी की शिद्दत हो कि बस मुझे ये काम करना है तो करना है, वो काम जरूर हो जाता है। चंद्रग्रहण में बहुत सी लड़कियां जो है शादी के लिए, बहुत से लड़के गवर्नमेंट जॉब के लिए, बहुत से लोग मकान के लिए, धन गाड़ी पैसे के लिए पूजा करते भी हैं और करवाते भी हैं। चंद्रग्रहण 18 को आएगा तो सूर्य ग्रहण 2 तारीख को आएगा। सूर्य ग्रहण और चंद्रग्रहण पवित्र टाइम होता है, ऐसे टाइम में लोग जो है तपस्या करते हैं। शिव को अगर आपको जापना हो, शिव को सिद्ध करना है, काली को शिव करना है, दुर्गा को शिव करना सिद्ध करना है, हनुमान जी को सिद्ध करना है, शंकर जी को सिद्ध करना है, कृष्ण गणेश किसी को भी सिद्ध करना है, तो आप ग्रहण टाइम पे यूज कर सकते हैं मंत्रों का। अगर आप उन मंत्रों को ग्रहण टाइम पे यूज करते हैं तो वो देवता सिद्ध हो जाता है। फिर आप उसके जाप करते रहो करते रहो करते रहो, वो ऑटोमेटिकली जब भी आपको कोई काम फंसेगा अपने आप वो आपका काम कर देगा। ठीक है, तो ये अगर आप हमारे से पूजा करवाना चाहते हैं हमारी संस्था से तो आप करवा सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। और आपके लिए मैं आपको बता रही हूँ, इस बार पूजा में ये है कि मैं पीछे कुछ समय पहले मेरा एक काम अटक गया था और एक लड़की ने कुछ काम करवाना था खास, उसकी जो है कुछ शिद्दत थी, तो हम उस काम से भी मैं कामाख्या गई थी, तो कामाख्या में पूजा पाठ कराई थी, तो वहाँ पे गर्भगृह योनि जो होती है माता की, वहाँ से मैं जल लेके आई थी। तो इस बार जिन लोगों का काम बहुत ही टफ है, टफेस्ट में आता है, उन लोगों को हमने डिसाइड किया है कि जो लोग भी पूजा कराएंगे हम माता कामाख्या का ये जल उसको जरूर भेजेंगे। उस जल को आपको थोड़ा सा लेना है और उस जल की 2-3 बूंदें बस आपको मुंह में डालनी है ड्रॉप, और आपकी जो सच्ची विश है उसको बोलना है। इसके अलावा इत्र भी है कामाख्या माँ का, उसको आप नाभि पे लगाइए, आप लगातार अपनी मनोकामना बोलिए, आपकी इच्छा पूरी होगी। इसके साथ साथ एक 7 धातु से बनी हुई कील आती है, बहुत ही स्पेशल है। उस कील को मैं खास टाइम पे जब बनाती हूँ और उसको बोलती हूँ जाके यहाँ पर जगह डाकर ठोक के आओ, अपनी इच्छा जरूर पूरी होती है। तो मैंने एक्सपेरिमेंट हाल फिलहाल में अपने ऊपर ही किया था, मुझे एक प्रॉपर्टी सेल करनी थी जो उस समय से अटकी हुई थी, मगर पिक ही नहीं रही थी, वो बाहर साथे चले जाते, तो मैंने उठा के वो की ली, गणेश जी के नाम से सिद्ध करके ठोक के आई थी। उसके बाद 40 दिन के अंदर मेरा घर वो सोल्ड हो गया, ठीक है, बिक गया, खत्म हो गया। और भी बहुत सारे लोगों को दिए, एक अंकल का एक्सपेरिमेंटल रेफर चल रहा था, अंकल से वो लोग एज थी उनकी काफ़ी, उन्होंने भी मुझसे वो कील मंगाई थी कि उनकी गर्लफ्रेंड उसे बात नहीं कर रही है, तो उन्होंने भी वो कील ठोकी थी, गर्लफ्रेंड का फोन आना शुरू हो गया। तो मैं आपको जो भी पूजा करवाएंगे उनको वो 7 धातु की कील भेजूंगी, और साथ में मैंने आपको जल के बारे में बताया है ये भेजूंगी, और एक इत्र भेज दूंगी। अगर आपको लगता है आप ये प्रेस कराना चाहते हैं तो ये 2 ग्रहणों में होगी, यानी कि आपकी 18 तारीख से स्टार्ट होकर ये पूरी आपकी जो है 2 अक्टूबर के बीच में, ये जो 15-20 दिन का टाइम चलेगा उसमें रहेगी। कोई भी कितनी भी खतरनाक विश हो बता देना, विश पूरी हो जाएगी, लेकिन शिद्दत आपकी सच्ची होनी चाहिए, आपका खुला आमंत्रण है, ठीक है। तो किसी को ग्रह भी खराब बताया हो ना कि सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति खराब है, ये हो गया है वो गया है, वो भी इस पूजा में आई है, क्योंकि ग्रहण काल में तो कुछ भी आप कीजिए आपका काम सिद्ध होता है। तो अब क्या करना है आगे, इस कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा हर हर महादेव जय श्री गणेश जी, अपनी मनोकामना 3 बार लिखिएगा और खुश रहा करो। कहते हैं खुश रहने से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी मनोरथों को पूरा कर देते, ठीक है। तो आपने वो जो दोना चढ़ाया है उसके बाद क्या करना है, भगवान से प्रार्थना करके फिर वहां पे 3 गणेश चालीसा या 3 संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ कीजिए, फिर पूरा का पूरा दोनों उठा लीजिए। अगर आप खुद की शादी के लिए इस प्रयोग को कर रहे थे तो आप इसको अपने पास रखेंगे, अपने पर्स में रखेंगे, या आप पास में नहीं रख सकते पर्स में तो आप किसी ऐसी जगह पे रखेंगे जो आपसे अटैच होगी, जैसे एक पर्स आपका कोई छोटा है जिसमें आप रखकर इसको आप अपने घर के आसपास कहीं रख दीजिए, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। इसको आप जरूर कीजिएगा,
और अगर आप किसी और के लिए कर रहे थे तो आप उसको ये गिफ्ट में भेज देना, उसको बोल देना भैया उसको अपने पास रखो, जब तक ये उसके पास रहेगा मेरे को लगता है ज़्यादा नहीं बहुत जल्दी 2-2.5 हफ्ते में ही उसके लिए कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, बस बशर्ते गणेश जी का याद करते रहें। ठीक है, ये जो मैंने आपको छोटा सा प्रयोग बताया है इसको आप कर लीजिएगा, लेकिन एक साथ और बता रही हूँ, खास मनोकामना में गणेश जी के लिए ही बता रही हूँ, एक बड़ यानी बरगद का एक पत्ता लेना है, उसमें 5 तरह की मिठाइयाँ रखिएगा, जैसे एक इमरती रख दी, एक जलेबी रख दी, एक पेड़ा रख दिया, एक बर्फी रख दी, एक कुछ और रख दिया, 5 तरह की मिठाई रखनी है, 2 लौंग 2 इलायची के जोड़े रखने हैं, और एक दिया रखना है छोटा सा एकदम आटे का दिया रखना है। आप इसको पत्तल को ले जाकर सीधे मंदिर जाइए और मंदिर में आप दिए को जला दीजिए गणेश जी के आगे, और एक छोटा सा सिंदूर, क्योंकि माथे सिंदूर सहे मूसे की सवारी, तो गणेश जी को सिंदूर चढ़ता तो थोड़ा सा नया सिंदूर रख दीजिएगा। तो ये पत्तल तैयार कीजिए, उसमें सिंदूर लगाइए, ये सब काम कीजिए, काम चाहे आपका कोई भी हो, आपको कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया हो तब कर सकते हैं, प्यार नहीं मिल रहा तो कर सकते हैं, तलाक होने जा रहा है उसे रोकने के लिए कर सकते हैं, तलाक चाहिए तो भी कर सकते हैं, किसी खास काम के लिए कोई परेशानी आ गई है, कुछ भी आपका रोग शोक शत्रु कलेश बाधा काटना हो, नाम इज्जत शौहरत पैसा चाहिए हो, प्यार चाहिए हो, कुछ भी चाहिए आप इसके लिए कर सकते हैं, और आपको बस वो वहाँ पर जला देना है और भगवान से बैठ के प्रार्थना करनी है कि मैं ये पत्तल इसलिए लेके आई हूँ, अपना संकल्प लीजिए, मेरा नाम बैश है, मेरे पति या पिता का नाम बैश है, जाति स्थान गोश बैश है, भगवान मैं आपके आगे ये पत्तल लेके आया हूँ, ये आई हूँ, मेरी फलाफल इच्छा है, आप इस इच्छा को पूरा कर दे, इसको वहाँ रख दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, ठीक है, और वो जो आटे का दिया है उससे कर लीजिएगा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती पिता महादेवा, महादेव से यार आया। देखिए आपको मैं छोटी सी बात सिखा रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात, मैं गणेश जी को इतना क्यों मानती हूँ, इतना क्यों पटाके रखती हूँ, उसका कारण ये है कि ऐसा कहते हैं कि यदि माँ को पटाना हो तो उसके बेटे को प्यार करो, क्योंकि माँ हो या पिता हो उनकी जो आत्मा होती है ना अपने बच्चे के अंदर होती है, और कहते हैं कि अगर किसी बच्चे को खूब प्यार करो तो उसके माँ बाप वैसे भी खुश रहते हैं प्रसन्न रहते हैं, तो ऐसे भी अगर आपको बिना किसी मेहनत के बिना किसी चारा फोर्स लगा के भगवान शंकर और माता पार्वती को और माँ कालिका को खुश करना है तो एक ऐसा है उनकी जान अटकी है गणेश जी में, क्योंकि वो उनकी संतान है, तो आप गणेश जी को पटा लो। आप जब गणेश जी को पटाओगे तो ऐसे कौन से माँ बाप हैं जिनको पता चले कि फला फला व्यक्ति हमारे बेटे को इतना प्यार करता है और वो उस व्यक्ति की बात न सुने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अगर आपका बच्चा शहर से बाहर पढ़ने चला जाए और आपका बेटा फोन करके बताए कि मम्मा देखो फला फला आंटी मेरे लिए अक्सर रोटी लेके आती है, सब्जी लाती है, मेरा ध्यान रखती है, मेरा केयर करती है, मुझे अपने बच्चे की तरह रखती है, तो आपको उस औरत से अपने आप ही एक लगाव सा हो जाएगा, प्यार सा हो जाएगा, और आप कहेंगे कि भाई मेरी अब्सेंस में ये मेरा बच्चे का बड़ा ध्यान रखता है, और अब फिर आप उस व्यक्ति को प्यार करने लगोगे, इज्जत दोगे, सम्मान दोगे, इज्जत सेम केस जो लोग गणेश जी की पूजा करते हैं मेरी तरह। तो मुझे लगता है कि भगवान शंकर और माता कालिका माता पार्वती पटके तो रही होंगे दुर्गा जी वाला, मुझे ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि सभी शुभ कामों में जब गणेश जी को ही रखना है, इतने बड़े परमपिता परमेश्वर की संतान है, तो बस ठीक है पटाके रखो, आपको जा गया रहा है, ठीक है। और कई लोगों ने मुझसे पूछा ये क्या है, ये फिरोजा है, नाम इज्जत शौहरत पैसे के लिए और आकर्षण के लिए, आपने बहुत सारे फिल्म स्टार्स को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है, फिरोजा पहनने से धन संपत्ति नाम इज्जत प्यार शादी अच्छी, मतलब आपका अपेयरेंस अच्छा होगा, बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, रेगुलर पहनना पड़ता है इस फिरोजा को, मेरे पास 2 हैं, एक गले में है इतना बड़ा और एक ये है चांदी में बनता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है गुलाबी वाला ब्रेसलेट, ये प्रेम के लिए होता है, ये तो खैर मुझसे कई लोगों ने पूछा था इसलिए बता रही हूँ, और ये जो है कैटाई, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग कामों में आती हैं, मैंने आपको बताया, मुझसे लोग पूछ लेते हैं तो मैं कभी कभी कुछ पहनती हूँ तो बता देती हूँ कि भाई ये किस चीज़ के लिए होता है, ऐसे तो कंटिन्यूटी में नहीं मैं पहनती हूँ, लेकिन जैसे कभी खास चीज़ पे मैंने पहन लिया, ये जो है ये वाला जो ब्रेसलेट है ये स्फटिक का ब्रेसलेट है ओरिजिनल, और ये भी कुछ खास है शनि के लिए होता है। तो मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं आपको बस वो वहाँ पे पत्तल रख के आनी है और फिर वापस आ जाना है, वहाँ पे थोड़ी सी प्रार्थना कर लेनी है, गणेश जी की आरती कर लेनी है,
और पूरे दिन में बैठ के जब भी टाइम मिलता है गणेश जी की पूजा कीजिए, मुझे विश्वास है आपका काम हो जाएगा। और हाँ, ग्रहण काल में पूजा पाठ करानी है अगर आपको वो जल चाहिए इसलिए और आपकी इच्छा पूरी हो जाए भगवान की इच्छा से। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कहने पे अगर कोई गणेश जी की पूजा करता है तो उसका काम हो जाता है। और ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि जब भी मैं किसी को बोलती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे कहने से गणेश जी की पूजा कर लो प्लीज़, तो मैंने जब भी किसी को कोई मंत्र दिया है गणेश जी का बताया कि भैया तुम ये काम कर लेना तुम्हारा काम हो जाएगा, ऑलमोस्ट सबका हो जाता है। और ये भी सच है कि एक बार जो मेरे पास आता है वो उसके बाद किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाएगा। तो मैं हूँ ज्योतिषी डॉक्टर संध्या सक्सेना, मुझे आया सुना था तो मिला हुआ है, मेरे नाम को मिला है और मैं 10 साल से काम कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कीजिएगा और उनको बताइएगा। और मेरे 3 चैनल हैं, तीनों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरी तरह भगवान गणेश में थोड़ा सा भी भरोसा करते हैं तो मुझे विश्वास है आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, हरण महादेव। पूजा पाठ कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं और मैं फ्री में देखती हूँ आपका प्रश्न। अगर आपको कुछ पूछना हो तो व्हाट्सअप कीजिए ऊपर दिए 4 नंबर में से किसी एक पे भी। हर हर महादेव, धन्यवाद।